तो दोस्तों हम लोग हैं सदर बाज़ार में और यहाँ पर ट्राई करने आए हैं सदर बाज़ार के फेमस छोले भटूरे जो कि देसी घी में बनते हैं। तो क्या आप गैस लगा सकते हैं दुकान देख के? चलो ठीक है, अगर नहीं लगा सकते तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये दुकान कौन सी है। ये दुकान है नंद की छोले भटूरे की हट्टी। तो नंद की हट्टी से मशहूर है और इनके छोले भटूरे का रेट 130 और इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि छोले ये दोबारा नहीं देते। ये बात तो गलत है कि नहीं? छोले तो हमारा हक है दोबारा लेने की, लेकिन ये बोलते हैं कि हम दोबारा नहीं दे सकते क्योंकि इनके देसी घी के छोले भटूरे हैं। तो देसी घी बहुत महंगा है मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमने छोले भटूरे ले लिए। ओवरऑल टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था और इनके भटूरों जब आप खाओगे ना भटूरों को क्रिस्पी क्रिस्पी या सॉफ्ट भटूरे जैसा बनवाने चाहते हो बन जाते हैं। 130 रुपीज़ में भी इतनी लोगों की भीड़ में हैरान था। और साथ में ही आप ये देख सकते हो इसमें आंवले का अचार मिलता है, हरी मिर्च मिलती है, तो आंवले का अचार बहुत अच्छा है। यहाँ पे दो शॉप हैं, ये एक और दुकान है शायद इनके ब्रदर की है, तो दोनों ही नंद की हट्टी से मशहूर है। एक 120 की देते हैं, एक 130 की। तो मैंने सिर्फ इसी का ट्राई किया है, 120 वाली नहीं करी है। तो इनके तो काफ़ी अच्छे छोले भटूरे हैं और बस थोड़े मुझे महंगे लगे उस हिसाब से। टेस्ट वाइज इट्स गुड बट 130 के वर्थ नहीं है। और साथ में ये जो आलू देते हैं इन पे भैया एक यहाँ पर मॉनिटर कर रहे थे, इट्स ऐसा लग रहा था कि मैं क्लास के अंदर हूँ, क्लास में मॉनिटर मुझे देख रहा है। उनकी नज़रें बस यही थी कि आलू आप पूरा खाना और आलू को छोड़ना नहीं, आंवले का अचार मत छोड़ना, देसी घी में बना हुआ है। इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया था भैया ने कि आप छोड़ ही सकते। ये भैया हैं जिन्होंने बस ध्यान दे रहे थे कि कोई आलू नहीं छोड़े, देसी घी का है। तो हम लोग तो चुपचाप खा रहे थे और छोले देने के नाम पे इन्होंने छोले दी एक बार दिए थे वो भी जितनी एक चम्मच आप ये देख रहे हैं इतने ही छोले हमें एक्स्ट्रा मिले थे। तो छोले थोड़े ध्यान से खाना क्योंकि कम ही मिलेंगे, एक बारी में दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर आपने भी खाए हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे और आप दुकान पर जाना चाहेंगे नहीं।